That's really interesting. वैसे मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं. अरे आओ आओ जहां रहा, देखो कौन आया हुआ है. आज इतने अरसे बाद दिल खोल के हंसाऊंगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यह है बख्तियार. व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. मैं तो एक मिनट के लिए बोर नहीं हुआ. जी जानती हूँ. तो आप मानती हैं कि आपको मेरी बातें मजे की लगती हैं? जी नहीं, मैंने उन्हें कहा कि मुझे पता है कि आप रोशन आरा के दोस्त हैं. रोशी तो बता रही थी कि आपके बाबा बड़े जाओ जलाल वाले हैं. मैं तो डर रहा था कि मुझे कहीं यहां से देख के निकाल ही ना दे, बट लुक एट हिम, ही सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी. लगता है किसी दिन तुम्हें अपना जाओ जलाल का नजारा कराना ही पड़ेगा. अब तो डरा ही रहे हैं अंकल. नहीं, डराना पड़ता है. देखो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ये सब अच्छा लगता है, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कल को जाओगे. देखो हर पोजीशन की ना एक जरूरत होती है. बिल्कुल इसी तरीके से तुम इसको हमारी जरूरत समझो, बल्कि इस जरूरत को रिवायत समझो. ये जो हम पी रहे ना, ये जरूरत रिवायत, हम इसके आगे मजबूर होते हैं. इतना मजबूर के डर के मारे डरा देते हैं. आई ट्रोल्ड यू, ये इज फनी अंकल. आप जितने प्रोग्रेसिव हैं, जिस तरह आपने रोशी और जहारा की परवरिश की है इतने आजाद और लिबरल माहौल में, हम उतने आजाद हैं नहीं जितने नजर आते हैं. वेल, फ्रीडम इज जस्ट एन इल्यूजन.